हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे मटन दम बिरयानी प्योर हैदराबादी स्टाइल पे। सबसे पहले हम ए टू जेड इस पे आपको रेसिपी बताएंगे, और जो है थोड़ी वीडियो लंबी बड़ी हो सकती है, बट इस पे आपको जो है ए टू जेड रेसिपी आपको इसमें शेयर करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा इस पे गरम मसाला और ए टू जेड जो है आपको जीजा गली पेस्ट हो गया, ब्राउन प्याज हो गया, मसाले हो गए, ए टू जेड आपको बताएंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं दो के जी ऑनियन ले लेना है, 2 kg ऑनियन, और 2 kg ऑनियन को लेके इस तरीके का आप कट कर लें। सबसे पहले जो है आपको ध्यान रखना है, जो 2 साइड आप पील करते हैं तो आपको ध्यान देना है, आपको जो है बेसिकली जो है आपको ध्यान से ये देना है कि आप देख सकते हैं 2 साइड जो है बहुत ही बढ़िया से पील हुआ है। आप भी जो है इस तरीके का जो है पील कर लें। आप जो है इस तरीके का 1 by 1 लेके आप देख सकते हैं इस तरीके का जो है आप पील कर लें पूरे, देख सकते हैं आप। एक चीज़ इस पे क्या है, जो ब्राउन प्याज हम बनाएंगे, आप जितने अच्छा आप पील करेंगे और जो आप सही तरीके से आप इसको कट करेंगे तो आपका ब्राउन प्याज जो बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनेगा। क्रिस्पी बनने से जो हमारा बिरयानी जो है बहुत ही बढ़िया जो है मसालेदार बिरयानी बनेगा। कभी क्या होता है ना, मसाले कम हो जाते हैं, फिर कभी क्या होता है उस पर जो है ऑनियंस आना शुरू हो जाता है, क्या कि मेल्ट नहीं होता है कभी कभी। तो इस तरीके का आप जो है ऑनियन पील कर लें सही तरीके से, और ध्यान दें कि आप जो ब्राउन प्याज करें मीडियम फ्लेम पे आप जो है ब्राउन प्याज को जो फ्राई करें, इस तरीके का सारे ऑनियन को आप पील कर लें। आप वेट करके आप ले सकते हैं 2 kg ऑनियन, क्योंकि हम इस पे जो है 3.5 kg जो है मटन है और 4.5 kg राइस इस्तेमाल करेंगे। और आप जो है जो ब्राउन प्याज बनाने टाइम में आप 2 kg इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं है तो आपका कितना जो बिरयानी के हिसाब से आप ले सकते हैं ऑनियन। पूरे सारे ऑनियन को इस तरीके का आप देख सकते हैं। आप जब ब्राउन प्याज के लिए ऑनियन मार्केट से या सुपरमार्केट से आप लेते हैं तो ध्यान दें बड़े प्याज लिए, उससे क्या होता है ना वेस्टेज भी कम होगा और आपको जो है काटने में भी सहूलियत होगी, क्योंकि उस पर बारीक है तो आप कुछ काटने की थोड़ा दिक्कत रहेगी। तो सारे जो है ऑनियन हमारा भी पील हो चुका है, तो आपको ध्यान देना है आप इस तरीके के सारे ऑनियन को इस तरह आप पील कर लें। देखिए आप 2 साइड देख सकते हैं, नीचे कहीं से और ऊपर कहीं से जो है बहुत ही बेहतरीन है। आप सारे ऑनियन को इस तरीके का पील कर लें, देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन जो है पील हुआ है ऑनियन हमारा। अभी जो है स्टार्ट करते हैं। आप देख हमारा ज़बरदस्त ऑनियन जो है पील हो गया है। अब इसको ऑनियन को जो 1/2 ऐसा कर लें, आप 1/2 करें तो स्लाइस ऐसा कर लें, जुलियन जो है जितना आप बारीक जो है कट करोगे क्रिस्पी और क्रंची जो है हमारा ब्राउन ऑनियन बनेगा। आपको स्लोली स्लोली जो है सारे ऑनियन को जितना आप कोशिश करें कि बारीक ऑनियन आप काटें, ताकि जो है हमारा जो ऑयल पे है वो सही तरीके से जो है हमारा फ्राई हो जाए। और आप देख सकते हैं इस तरीके का कट कर लें आप बारीकी से। आपको ध्यान देना होगा कि ये जो क्वार्टर कट करने के बाद में इसको ऑनियन को जो है आप ऐसा फिरा लें, ताकि जो है दोनों साइड का हिस्सा है जो वो सही तरीके से कट हो। स्लोली स्लोली आप इस तरीके के सारे ऑनियन को काट लें। ब्राउन प्याज कभी क्या होता है, जितना आप सही बारीक से काटोगे तो हमारा जो बिरयानी है बहुत ही बेहतरीन बनेगा, मसालेदार बनेगा। अगर बारीक ऑनियन आप नहीं काटोगे तो क्या होता है फ्राई करने में थोड़ा दिक्कत होता है, कच्चा पक्का हो जाता है, एक रोस्ट होता है, एक सही से रोस्ट नहीं होता है तो ऑनियन। तो आप सारे ऑनियन को आप इस तरीके कट कर लें। अगर चॉपिंग बोर्ड नहीं है तो आप हाथ से भी काट सकते हैं, बट थोड़े हाथ में अगर आप काटना चाह रहे हैं तो थोड़े छोटी ऑनियन ले सकते हैं, छोटा ऑनियन लेके आप हाथ से स्लोली से आप काट सकते हैं। बट आप जो भी काटें तो एक साथ बराबर रहना चाहिए ऑनियन, एकाक हो गए तो चलेगा, बट
आप कोशिश करें कि सब जो ऑनियन है एक आग पर बराबर रहना चाहिए। उससे क्या होगा ना, जो आप ऑयल में ऑनियन को फ्राई करोगे तो वो जलेगा नहीं। आप देख सकते हैं इस तरीके का जो है, सारे ऑनियन को आप वन बाय करके आप कट कर लें। और इस पे जो है आपको वीडियो जो है ब्राउन प्याज की थोड़ी बड़ी होगी, बट हम इस पे जो है आपको A to Z रेसिपी ब्राउन प्याज का, जिंजर गार्लिक पेस्ट का, गरम मसाले या गरम मसाले का ही बहुत डिफरेंट होता है जो आपको रेस्टोरेंट होटल का रहता है, अलग बहुत डिफरेंट रहता है। दोनों में रेस्टोरेंट और होटल का जो मसाले होते हैं बहुत डिफरेंट होता है। बिरयानी बनाने का सबका रेसिपी जो है डिफरेंट होता है, बट आज जो बिरयानी हम बनाएंगे प्योर हैदराबादी स्टाइल पे बनाएंगे। अगर ब्राउन प्याज करने में आपको कुछ भी दिक्कत आ रही तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, आपका रिप्लाई ज़रूर मैं दूंगा। और उसके बाद में आप सारे ऑनियन को देख सकते हैं, कितना बारीकी देख सकते हैं आप। इस तरीके का जो है सारे ऑनियन को आप कट कर लें, देख सकते हैं इस तरीके का। जल्दबाजी नहीं करना है तो आपको जो है स्लोली स्लोली कट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके का, हाफ कट कर लें, फिर से इसको घुमा दें आप ऑनियन को। आप इस तरीके का जो है सारे ऑनियन को जो है आप कट कर लें। इसके बाद में जो है नेक्स्ट होगा ब्राउन प्याज हमारा होगा। ब्राउन प्याज के बाद में फिर राइस का होगा, वॉशिंग का। उसके बाद फिर राइस कहता है मटन मैरिनेशन करेंगे। उसके बाद में फिर हम लोग चावल के पास जाएंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरीके का सारे ऑनियन को कट कर लें। अभी हमारा लास्ट ऑनियन बचा है, इसको भी जो है हम कट कर लेंगे इस तरीके से। आप देख सकते हैं जितना पूरा पूरे ऑनियन जो है सारे एक साथ कट हो रहा है, एक ही साइज़ का भी कट हो रहा है। देखिए आपको जल्दबाजी नहीं करना है, आप स्लोली कट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके सारे ऑनियन को कट कर लें। इसके बाद में जो है आप छोटे बर्तन पे इसको आप उठा लें, इसको छोटे जाली या बर्तन कुछ भी हो आपके पास, जो भी अवेलेबल है आप उसमें उठा लें। और मीडियम फ्लेम ऑयल आपका जो है गरम कर लें, इसके पहले जो है मीडियम फ्लेम में आप रख लें। ज़्यादा ऑयल आप गरम में रहेगा तो प्याज क्या ऑनियन जो है जल जाएगा आपका। सारे ऑनियन किस देख सकते हैं, बहुत ही बारीक कटा हुआ है ऑनियन, आप इस तरीके देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन ऑनियन कटा हुआ है हमारा। अभी क्या करते हैं, ऑयल में फ्राई करते हैं। आप देख सकते हैं हमारा मीडियम फ्लेम पे है, इस तरीके आप ट्रायल कर लें थोड़ा सा डाल के कि मीडियम फ्लेम पे है नहीं है। और आपको ध्यान देना है अगर ज़्यादा ऑयल गर्म है तो आप इस तरीके का जो ऑयली स्टीनर रख के आप उस पर ऑनियन को रखें, फिर इस तरीके स्लोली से छोड़ दें। क्या होता है ना, ऑयल अगर गर्म है तो ऑयल बाहर के साइड में आने के चांसेस रहते हैं। तो उसके बाद में आप मीडियम फ्लेम कर दें, उसके बाद में धीरे धीरे आप एक स्लाइसर लें और या कुछ भी आप जो है इस पे इस तरीके का देख सकते हैं आप। मीडियम फ्लेम है हमारा भी जो ऑयल है, आप स्लाइसर या कुछ भी आप बर्तन से इसको जो है आप स्लोली करके जो है इसको मिला लें। आप इस तरीके का जो है आप मिला लें, आप स्लाइसर से या कुछ भी आपके पास जो भी है उससे इस तरीके का आप मिला लें। आप जो है इसको कंटिन्यू इस तरीके से इसको मिलाना है ऑनियन को, और ऊपर नीचे करना है। आप देख सकते हैं जो ऑनियन हमारा है अभी इस तरीके का जो है, उसको ऊपर नीचे बार बार आपको करना है कंटिन्यू, क्योंकि जो ऑनियन हमारा है वो देख सकते हैं अगर कंटिन्यू नहीं करने से क्या होता है, ऑनियन हमारा जो है जल जाता है साइड का। जलने से क्या है, बिरयानी में कालापन आता है और एक आध बार क्या होता है ना कच्चा पका हो जाता है। तो आप कंटिन्यू इस तरीके से स्लोली आप क्या करें, 2 मिनट को या 1 मिनट को आप ऐसा कर सकते हैं, बट जब स्टार्टिंग में आपको 2 मिनट 1 मिनट करना है। फिर जब धीरे धीरे हमारा ब्राउन प्याज जो है ऑनियन धीरे धीरे की जब पकते जाएगा तो फिर कंटिन्यू करते रहना है आपको इस तरीके का। आप जो है स्लाइसर से आप घुमा ले सकते हैं 30 सेकेंड या 1 मिनट को, आपको जैसा सहूलियत हो उस तरीके से जो है इस तरीके से स्लो से जो है आप मिला लें। आपको बार बार जो है इस तरीके का मिलाना है, और फिर जो है अगर ऑनियन साइड पे आ जाए तो आप इस तरीके से साइड से जो है स्लाइसर से आप कर लें, ताकि जो है हमारा ऑनियन जो है जल ले नहीं। तो अभी देख सकते हैं हमारा धीरे धीरे कलर भी चेंज होते जा रहा है। आप देख सकते हैं ऑनियन ऑनियन को आप जितना कंटिन्यू, जब इसका जो मैक्सिमम जो है ये जो है
12 मिनट के अंदर हो जाता है, तो फ्लेम के ऊपर में डिपेंड करता है, 10 मिनट के अंदर भी हो जाता है, 15 मिनट के अंदर में होता है, मैक्सिमम तो है 15 मिनट के अंदर हो जाता है हमारा ऑनियन जो है मीडियम फ्लेम पे, बट क्वांटिटी के ऊपर में डिपेंड करता है। अब जितना क्वांटिटी रहेगा तो वही हिसाब से आपको टाइम लगेगा। तो आपको बेसिकली ध्यान है, देखिए मैं कल जो ऑनियन है अभी कलर चेंज होते जा रहा है, तो आपको देख सकते हैं, तो कंटिन्यू जो है स्लाइसर, या आपके पास स्लाइसर ना हो तो कुछ भी ऐसा आपके पास है तो इस तरीके का आप ऊपर नीचे कर लें, या घर पे रहता है जाली या स्लाइसर जो भी है तो आप उससे इसे इस तरीके का आप कर लें। अब इसके बाद में क्या होगा ना, ऑयल स्ट्रीनर हम बाद में 90% होने के बाद में ऑयल स्ट्रीनर इस्तेमाल करेंगे। अभी ऑयल स्ट्रीनर इस्तेमाल करने से क्या है, स्टेन में बार बार जो है चिपक जाएगा। आप इस तरीके का बार बार जो है ऊपर नीचे कर लें, 1 मिनट या 30 सेकेंड को एक बार आप ऊपर नीचे कर लें। आप देख सकते हैं ऑनियन हमारा धीरे धीरे जो है कलर इसका चेंज होते जा रहा है। अब इसका जितना भी जो है कलर धीरे धीरे चेंज होते जाएगा, आपको उसको जो है स्लाइसर कंटिन्यू करना है, ताकि ऑनियन हमारा एक भी अभी तक जो है एक भी ऑनियन जला हुआ नहीं है। तो आप इस तरीके के सारे ऑनियन को जो है ऊपर नीचे इस तरीके का कर लें। आप देख सकते हैं हमारा धीरे धीरे जो है कलर आते जा रहा है। तो आप अभी जो हमारा ऑनियन है धीरे धीरे कलर चेंज होते जा रहा है, तो आप देख सकते हैं, तो आपको इसको कंटिन्यू रखना है। आप देख सकते हैं जितना आप इसको कंटिन्यू रखोगे, और एक चीज़ ध्यान में देना है, जब ये कलर चेंज होते जाएगा आपको कंटिन्यू जो है स्लाइसर इस तरीके से घुमाना है, ताकि हमारा जो ऑनियन है सही तरीके से प्रॉपरली कुक हो जाए और क्रंची बने। नहीं है तो अगर आप इस तरीके का ना करें तो सही से प्रॉपरली कुक नहीं होगा, तो जलने के चांसेस रहता है। आप देख सकते हैं एक भी ऑनियन जो है हमारा जला हुआ नहीं है। आप इस तरीके का जो है कंटिन्यू करें आप, और आप देख सकते हैं कलर जो है चेंज होते जा रहा है हमारा ऑनियन का। आप जितना वो कलर चेंज होते जाएगा, आपको जो है स्लाइसर कंटिन्यू रखना है। जब 95% हो जाएगा तो आपको क्या करने का है, ऑयल स्ट्रीनर डाल के आपको तैयारी रहना है कि ऑयल से ऑनियन को निकालने के लिए। और आपको ध्यान देना है, आप न्यूज़पेपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो ट्रे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उससे क्या होता है ऑयल जो है खींच लेता है और हमारा जो ऑनियन जो है क्रंची हो जाता है। और बेसिकली अगर हम सही प्रॉपरली ये कट कर लें तो हमारा जो ऑनियन आप किस में भी अब रखे तो क्या है, क्रंची हमारा ऑनियन बन जाएगा। अभी हमारा जो है 90% हो गया है, 95%। एक आप साइड पे जो है जाली रख लें या कुछ भी बर्तन रख लें, और आपको ध्यान देना होगा जब निकालते समय, अगर आपको आइडिया उतना नहीं होता है कि आप किस तरीके का आप निकाल लें, तो कोई भी चीज़ का सपोर्ट आप ले सकते हैं, जैसे कि एक राइट के हाथ में या आपका जो है स्लाइसर हो, या लेफ्ट हाथ में हो, या फिर इस तरीके का जो है आप ऑयल स्ट्रेनर को डाल के सपोर्ट लेके आप भी उठा सकते हैं ऑनियन को। आप जो है ऑयल स्ट्रेनर से इस तरीके का ऊपर नीचे कर लें आप, उसके बाद में धीरे धीरे सारे ऑनियन को जो है आप उठा लें। उसके बाद में आप देख सकते हैं सारे ऑनियन को इस तरीके उठा लें, उठा के जाली पे आप जो है इसको रख लें, थोड़े ऑयल को अच्छे तरीके से ऑयल स्ट्रेनर कर दें, ताकि ऑयल हमारा है तो क्या सॉगी बन जाएगा। तो इस तरीके का सारी ऑनियन को आप उठा लें। आप देख सकते हैं हमारा बस सही से प्रॉपरली जो है कलर आ गया है ब्राउन। तो इस तरीके का आप जो है ऑयल सही तरीके से स्टेन कर लें। ऑयल स्टेन करने के बाद में आप जाली पे रख लें। आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन जो है कलर आया है। आप इसके बाद में एक एक ट्रे आप रखें या न्यूज़पेपर रखें, मैं जैसा कि बोल चुका हूँ आपको जी। अब देखिए इस तरीके का जो है अभी जाली में बर्तन में रख लें, फिर इसका जो थोड़ी बहुत जो ऑयल होगी तो नीचे अगर चला जाएगा, नहीं है तो आप जो है इसको फिर न्यूज़पेपर या ट्रे पे डाल सकते हैं। अभी जो हम इसको थोड़ा देर जो है ट्रे पे रखेंगे। ट्रे पे रखने के बाद में एक छोटा स्पून या कुछ भी आपके पास हो तो इस तरीके का जो है स्पून से जो है इसको सब तरफ कर लें इस तरीके का, देख सकते हैं आप, ताकि उसमें हवा लेके 10 से 15 मिनट में ऑटोमेटिक जो है
वो हमारा क्रंची और क्रिस्पी आ जाएगा। आप देख सकते हैं एक भी जो है इस पे ऑनियन हमारा जला हुआ नहीं है, पूरे तरीके से सही बना है और ब्राउन जो ऑनियन हमारा है प्रॉपरली क्रंची भी बना है। आप देख सकते हैं हम इसको 10 से 15 मिनट रखेंगे ताकि हवा लगाने के बाद में वो क्रंची हो जाएगा। आप इस तरीके का जो है स्पून से कर लें। और उसके बाद में नेक्स्ट जो है हमारा है होगा, अभी आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन जो है हमारा जो ऑनियन है बेहतरीन कलर है। आप इसके बाद में जो है देख सकते हैं बहुत ही क्रंची है। आप इस तरीके का जो हाथ में सा मसल लें ताकि आपको पता चले कि हाँ हमारा प्रॉपरली जो है हो गया है हमारा ब्राउन ऑनियन। आप देख सकते हैं बहुत ही ब्राउन कलर हमारा ब्राउन ऑनियन जो होगा, एक भी इस पे कच्चा ऑनियन नहीं है, सही प्रॉपरली जो है हमारा ऑनियन ब्राउन ऑनियन हो चुका है। आप इस तरीके का जो है आप इसको सबसे पहले ब्राउन ऑनियन बना लें। आप अभी जो है राइस हमारा जो है इसको वॉश करेंगे। आपको ध्यान देना होगा हम लोग जो अभी जो मटन बिरयानी बना रहे हैं 3.5 किलो मटन है और 4 किलो राइस है, तो इसलिए आप कभी भी जो है 1 किलो राइस पे 1 किलो मटन उसका कॉम्बिनेशन सही होगा, 2 किलो मटन को 2 किलो मटन सही होगा, 3.5 किलो मटन को 3.5 किलो मटन सही होगा। बट हमारा जो है इस पे जो है हम लोग 3.5 किलो मटन लिया है, 4 किलो राइस लिया है। तो हम लोग जो है रेस्टोरेंट पे क्या होता है ना कभी पार्सल जाते हैं तो उस वजह से जो है चावल का क्वांटिटी जो है हम बढ़ के डालते हैं ताकि पार्सल पे जो है चावल क्वांटिटी ज़्यादा जाता है। तो सबसे पहले आप जो है चावल को इस तरीके का आप वॉश कर लें, आपको स्लोली जो है इस तरीके का आप वॉश कर लें ऊपर नीचे करके। अब इसको जो है हम लोग तो बेसिकली 3 से 4 बार वॉश करते हैं, बट आप जो है इसको ध्यान दें कि अच्छे तरीके से प्रॉपरली इसको वॉश कर लें ताकि जो है इसका जो वाइट पन है चला जाएगा। आप सही जो है बासमती राइस लें अच्छे क्वालिटी का ताकि जो बिरयानी जो है हमारा अच्छे सही तरीके से जो हमारा बिरयानी बने। और आप इसको जितना अच्छे तरीके से इसको वॉश कर लेंगे चावल जो है खुलापन बनेगा और अच्छा चावल जो है खुल के आएगा पूरा। तो आप भी जो है अच्छे से प्रॉपरली इसको चावल को जो है वॉश कर लें। आप देख सकते हैं इस तरीके का जो है हाथ से जो है आप ऊपर नीचे कर लें। घर में क्या होता है छोटा बर्तन है तो 4 से 5 बार आप धो सकते हैं, बट इसको मसलना नहीं है, मसलने से क्या होता है चावल बाद में टूट जाएगा। तो जब कुकरनट में चावल को उस टाइम में जो है चावल टूटने लगेगा तो आपको सिर्फ पानी इस तरीके का जो है खोलना है नल को, अगर नल नहीं है तो डायरेक्ट आप बॉटल से भी धो सकते हैं। उसको अच्छे तरीके से प्रॉपरली वॉश कर लें, अगर छोटा बड़ा बर्तन है तो आप 2 से 3 बार धोएंगे भी चलेगा, अगर छोटा बर्तन है तो 3 से 4 बार इसको आप अच्छे तरीके से धो लें चावल को जो है। अभी इसको जो है हम जो है और इसको जो है चावल धोने के बाद में आप 30 से 40 मिनट जो है बिफोर जो है आप मटन मैरिनेशन करने के पहले जो है आप 40 मिनट्स या 30 मिनट्स भिगा के रखें, वो सही तरीके से प्रॉपरली भीग जाएगा तो आपको इजी होगा। जो चावल कुकरनट में जैसे कि जो दम मारनेट में राइस का जो है वो खुला होगा और चावल जो है सही प्रॉपरली कुक हो जाएगा। तो आपको ध्यान देखना है कि आप चावल को जो है सबसे पहले भिगा लें, चावल को ज़्यादा देर भी भिगाना नहीं है, अगर आप 2-3 घंटा भिगा दोगे तो चावल फिर नरम हो जाएगा, फिर उस तरीके का चावल को आपको धीरे धीरे जो चावल दम देंगे तो फिर कम मात्रा में जो है उसको कुक करना का रहता है। तो आप जो है 40 मिनट्स जो आप भिगा के रखें वो सही है उसका टाइम, या हाफ एन आवर सही है, 1 घंटा भी सही है। तो आप जो है चावल को जो है बेसिकली आप ध्यान दें उसको जो है 1 घंटे से या 40 मिनट्स या 30 मिनट्स जो भी आप उसको तय कर लेना है, मैक्सिमम 30 मिनट्स है। 30 मिनट्स अगर कम में करेंगे तो चावल बराबर जो है भिगा हुआ नहीं रहेगा तो फिर कुक नहीं होगा, बराबर कच्चा पक्का होगा। आप देख सकते हैं इस तरीके के जो है पूरे सारे जो है 3 से 4 बार आप इसको वॉश कर लें पूरे चावल को। तो फिर हमारा थोड़ी वीडियो बड़ी हो सकती है बट हमको A to Z आपको इसमें जो है रेसिपी बताने का है आपको। तो आप देख सकते हैं हमारा जो पानी है वो भी थोड़ा चेंज होते जा रहा है,
सारे चावल को आप इस तरीके का धो लें। और जब आप जो मैंने दही डालने कर्ड डालने के बाद में हमारा पूरी तरीके से जब प्रिपरेशन हो जाएगा, तो जो आप लेयर बाय चावल मारते हैं, तो उस टाइम पे आपको ध्यान देना है। पहला जो राउंड मैं आगे भी बताऊंगा आपको, बट अभी भी फिर भी बोल दे रहा हूँ आपको कि जो फर्स्ट राउंड आप चावल मारोगे थोड़ा कड़क रहना चाहिए, फिर सेकेंड वाला और थोड़ा नरम, फिर और जो रहेगा तीसरा वाला फिर थोड़ा नरम, इस तरीके का जो है तीन राउंड चार राउंड जो भी होगा तो आपको ध्यान देने हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अगर चावल अगर सही रहा तो फिर बिरयानी बहुत ही बेहतरीन बनेगा, उस पर भी डिपेंड करता है। आपको ध्यान देना है थोड़े कभी कि पानी के वजह से भी चावल सही प्रॉपरली कुक नहीं होता है, तो आप 20 लीटर्स का कैन भी इस्तेमाल कर। देखिए हमारा जो है राइस जो है पूरा ऑलमोस्ट सही तरीके से हो गया है बस, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अभी हम लोग जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं जिंजर गार्लिक जिंजर को इस तरीके आप कट कर ले सारे जिंजर को। आपको अगर मार्केट पे भी जिंजर गार्लिक पेस्ट मिलता होगा, बट वो सही नहीं रहता है, थोड़े जो है सुपर मार्केट में सही रहा होता है, आप ले सकते हैं 250 ग्राम प्रॉपरली जो है अच्छे क्वालिटी का लें आप। मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप घर में जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट बना के बनाएं, क्योंकि घर का जो होता है बहुत बेहतरीन होता है, आप खुद अगर बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। आप क्या करें 70% आप जितना भी जिंजर लें और गार्लिक लें, 70% जिंजर लें और 30% जो है गार्लिक लें आप। अब सारे गार्लिक को जो है इस तरीके से आप कट कर लें, आप देख सकते हैं। इसके बाद में छोटे से बर्तन में आप उठा लें इसको, इस तरीके का जो है आप उठा लें बर्तन में। फिर आपको ध्यान देना होगा जब आप जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाए उसमें आप सॉल्ट भी आप डाल सकते हो, तो बट अगर अब जल्दी आप मैरिनेशन करें तो फिर ज़रूरत नहीं है सॉल्ट का। अगर थोड़े देर रखना चाह रहे हैं आप सॉल्ट, तो आप ज़रूर थोड़ी से सॉल्ट उस पर ऐड कर लें आप, ताकि जो उस पर कड़वाहटपन नहीं ज़्यादा नहीं आएगा। आप देख सकते हैं थोड़ा सा इसमें वाटर हम लोग ऐड करेंगे, कर लिए हैं। इसके बाद में स्टार्ट करते हैं मिक्सर, घर में जो भी मिक्सर है आप उस पर इस्तेमाल कर सकते हैं, बस हमारे पास यही है तो हम यही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इस पर थोड़ा लेट होता है। आप इस तरीके का जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट आप घर पे बनाएं, मेरा जो होगा सजेस्ट, आप अगर मार्केट से ले रहे हैं तो आप अच्छे क्वालिटी का लें, नहीं है तो आप घर पे बना सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट हमारा जो इस पे ए टू जेड आपको प्रोसेसिंग बताएंगे। कभी क्या होता है ना, जिंजर गार्लिक के पेस्ट के वजह से भी जो बिरयानी हमारा सही नहीं बनता है, कभी ज़्यादा कोई डालता है गार्लिक, कोई कम डालते हैं, तो आपको जो बेटर लगे सही लगे आप वो कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरा जो सजेशन रहेगा कि आप घर पे जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाएं या फिर आप मार्केट से अच्छे क्वालिटी का आप लें। तो इस तरीके का आपको देख सकते हैं हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट 50% हो गया है। आप इस तरीके का छोटे स्पून से जो है इस तरीके का कर लें। आपको ध्यान देना होगा जितना बारीक पेस्ट होगा, जिंजर गार्लिक पेस्ट होगा, तो हमारा सही बनेगा। आप देख सकते इस तरीके का लीड अपन में हम लोग फिर से इसको ऑन करेंगे। तो अभी ऑलमोस्ट जो है हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट रेडी है। इसके बाद में जो नेक्स्ट रहेगा हमारा ग्रीन चिली का पेस्ट रहेगा। आप देख सकते हैं प्रॉपरली तरीके से जो है हमारा हो गया है जिंजर गार्लिक पेस्ट। अभी जो है नेक्स्ट रहेगा हमारे ग्रीन चिली, ग्रीन चिली के बाद हम फिर गरम मसाला, उसके बाद हम फिर मटन का रहेगा। तो स्टेप बाय आपको रेसिपीज़ का हर चीज़ का बताते हैं ए टू जेड, धीरे धीरे आपको हर रेसिपीज़ का आपको बताएंगे आपके साथ में। अभी हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट रेडी हो चुका है, तो इस तरीके छोटे बोल आप ले लें, बोल में आप उसको रिमूव कर दें, इसको निकाल लें आप छोटा स्पून से इस तरीके का, स्लोली आप निकाल लें सारे जिंजर गार्लिक पेस्ट को। आप मार्केट से अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो 3 kg में आप 250 ग्राम आप यूज़ कर सकते हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट ऑलमोस्ट। तो आप देख सकते हैं इस तरीके का सारे जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट को आप रिमूव कर दें इस तरीके का। अभी जो है हमारा ग्रीन चिली पेस्ट बनाएंगे।
ग्रीन चिली पेस्ट जो है 100 ग्राम है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप स्पाइसी कितना उस पर जो है आप मिला मैरिनेशन करने टाइम में आप कितना आप मिला सकोगे। थोड़ा वाटर इस पर ऐड करेंगे, पानी अभी हम लोग इसको फिर, और ग्रीन चिली पे तो हम 100% जो है थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि कड़वापन नया बने। तो आप इस तरीके का जो है ऑन कर लें इसको, 3 से 4 मिनट आप या 2 से 3 मिनट आप इसको जो है 2 से 3 मिनट तक आप इसको ऑन रखें। अभी इस पर हम लोग जो है सॉल्ट थोड़ा इसमें ऐड करेंगे। अभी जो है हमारा मिक्सी बंद है, अभी ऑन किए हैं, तो इस पर जो आप देख सकते हैं अभी इस पर जो है थोड़ा हल्का सा सॉल्ट इस्तेमाल करेंगे। इस पर आप टी टेबल स्पून में थोड़ा सॉल्ट इस पर ऐड करें। आप ऐड करने से क्या है कड़वापन जो है थोड़ा कम ही होता है। ये रहा सॉल्ट, थोड़ा टी टेबल स्पून में आप हाफ टेबल स्पून आप इस्तेमाल करें। आप इस पर ध्यान देना, ज़्यादा पानी भी नहीं डालना है। तो सबसे पहले आप थोड़ा इसको जो है ऐसा आप मिक्सर ऑन करें, फिर बाद में आपको ज़रूरत हो तो थोड़ा सा पानी ऐड करें। आप देख सकते हैं हमारा भी जो है ग्रीन चिली पेस्ट रेडी है, ऑलमोस्ट हो चुका है। आप ऑन करते समय इस तरीके का ना ओपन करें, आप बंद करके ओपन करें ताकि फिर आपके आँख में गिर जाए दिक्कत होगी। आप बंद करके ओपन करके चेक कर सकते हैं क्या करें। आप छोटा सा ये भी बोल में आप निकाल लें। आप इस तरीके का हमारा सही तरीके से हो गया है ग्रीन चिली पेस्ट। आप इसको इस तरीके का छोटे बॉल पे निकाल लें। आप भी नेक्स्ट जो रहेगा इलायची है, ये जो है हमारा 50 ग्राम इलायची है। अब 50 ग्राम से हम थोड़ा निकाल लेंगे जो बिरयानी का लेयर बाय लेयर में जो डालने के लिए। आप 50 ग्राम इलायची को बारीक पाउडर बना लें आप, और इस पर हम भी शुगर थोड़ा ऐड करेंगे ताकि उसका जो फ्लेवर है जो इलायची का है वो सही तरीके से रुके। तो इस तरीके का आपको जो है इलायची को बारीकी से आपको कर लेना है। इलायची के बाद साजीरा 25 ग्राम है, 50 ग्राम इलायची, 25 ग्राम साजीरा, 25 ग्राम दालचीनी। तो आप इस तरीके का जो है बहुत ही जो है कम मसाला हम लोग इस्तेमाल करेंगे गरम मसाले में। ये थोड़ा डिफरेंट होगा होटल और रेस्टोरेंट का जो है, थोड़ा डिफरेंट रहेगा गरम मसाला। बाकी का जो होटल रेस्टोरेंट होता है बड़ा इलायची छोटा इलायची जायत्री वगैरह जो है ऐड करते हैं आप, बट ये थोड़ा जो ऑथेंटिक जो है हैदराबादी दम बिरयानी है, तो इसके लिए हमारे को जो इंग्रेडिएंट्स ज़रूरत है वही इस्तेमाल करें। आप देख सकते हैं छोटा टी टेबल इस्तेमाल कर सकते हैं शुगर। अभी 50% हमारा हो चुका है, तो आप जो है इस तरीके का फिर से ऑन कर लें। आप देख सकते हैं हमारा जो है हो चुका है ऑलमोस्ट इलायची पाउडर। अब इलायची पाउडर होने के बाद में हम देख सकते हैं बारीक हो गया है इलायची पाउडर। तो आप इसको जो है थोड़ा अलग से निकाल लें, 25 ग्राम अलग से निकाल लें इसे। आप देख सकते हैं अभी जो है हम लोग तीनों को मिक्स कर लेंगे। ये साजीरा है 25 ग्राम और दालचीनी भी है 25 ग्राम। अब इस तरीके छोटा छोटा कर लें, तो इसको इस तरीके का जो है हम लोग मिला लेंगे। अभी नेक्स्ट जो रहेगा हम मटन वाश करेंगे और उसका मैरिनेशन करेंगे। उसके बाद में जो है आप इस तरीके का जो है मिला लें। हम इससे जो है थोड़ा निकाल लिए हैं जो इलायची है, जो राइस मारते वक्त दम जो है उस पर थोड़ा थोड़ा लेयर में डालने के लिए थोड़ा निकाल लिए हैं इलायची। आप इस तरीके बोल पे इकट्ठा कर लें। अभी जो नेक्स्ट होगा हमारा मटन वाश करेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन मटन है। आप 3.5 किलो मटन लें, और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि मैं इस पर जो है पपैया इस्तेमाल नहीं करूँगा मटन गलाने के लिए, और पाइनएप्पल का भी इस्तेमाल नहीं करूँगा। पाइनएप्पल भी बहुत बेहतरीन होता है मटन को जो है सॉफ्ट करने के लिए, इसलिए जो है हम लोग इसमें पाइनएप्पल और पपैया इस्तेमाल नहीं करेंगे।
क्योंकि जो मटन जो है हमारा बकरा जो है बहुत ही छोटा है, जैसे कि 10 से लेके 14 केजी के अंदर में है, तो 12 से लेके 14 केजी के अंदर में बहुत छोटा है, तो उसका जो गोश्त होता है बहुत सॉफ्ट होता है, तो इसको भी हम लोग मैरिनेशन करेंगे 1 घंटे के लिए, ऑटोमेटिक जो है वो गोश्त जो है सॉफ्ट हो जाएगा। अगर आपको दिक्कत हो रही कि मटन थोड़ा सही नहीं है, आप 50 ग्राम जो है पपैया ऐड कर सकते हैं। अगर पपैया आप ऐड करना नहीं चाह रहे हैं तो पाइनएप्पल क्या करें, आप हाफ क्वार्टर जो है पाइनएप्पल को कट कर लें, अब हाथ में अगर प्रेस करेंगे थोड़ी ताकत लगा के तो ऑटोमेटिकली उससे जो जूस आएगी निकल के, आप उसमें 50 ml या 100 ml आप इसको जो है ऐड कर लें, ताकि जो है मटन जो हमारा सॉफ्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं बहुत ही जो है मटन बेहतरीन मटन है और छोटे बकरे का है, तो इसलिए जो है हम इसमें पपैया पाइनएप्पल इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आपको हो सकता है आप इस्तेमाल कर लें, अगर मटन आपका देख रहे थे 15 किलो के ऊपर पे है बकरा या 18 किलो है, तो आप बड़े बकरा है तो आप उस पर आप पपैया इस्तेमाल करें, ताकि मटन जो है सॉफ्ट आ जाए, हमारा बिरयानी जो है बेहतरीन सॉफ्ट बन जाए। यही मैं बार बार के बोल रहा हूँ, आप जो है इस तरीके का जो है मटन को 3 से 4 बार इसको भी धो लें आप, ताकि ब्लड जो है बाहर भाग जाए। आप देख सकते हैं इस तरीके का मटन, सारे मटन को धो लें, एक जाली पे ऐसा इस तरीके का रख लें आप जालूबाजी में, तो आप सारे मटन को अच्छे तरीके से प्रॉपरली तरीके से आप जो है मटन को वॉश कर लें। आप देख सकते हैं मैं यही बोल रहा हूँ बार बार के कि जो पपैया इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि मटन जो है बहुत ही सॉफ्ट है, इसलिए हम लोग पपैया इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर मटन सही नहीं है तो हम लोग पपैया उसमें 100% इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि नहीं तो आपका मटन प्रॉपरली जो है कुक नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं इस तरीके का 3 से 4 बार आप वॉश कर लें मटन को। अभी जो है मटन हमारा सही तरीके से प्रॉपरली आप देख सकते हैं इसमें ब्लड भी नहीं है, नहीं इस पर कोई जो है छोटे छोटे जो मटन के जो पीसेस रहते हैं हड्डी वाले, ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं इस तरीके का जो है सारे मटन को आप वॉश कर लें प्रॉपरली तरीके से। आप देख सकते हैं सारे मटन को इस तरीके वॉश कर लें, वॉश करने के बाद अच्छे तरीके से 3 से 4 बार इसको आप वॉश कर लें। वॉश करने के बाद में अब इसको जो है हम लोग A to Z आपको रेसिपी बताएँगे, इसके बाद में नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा मैरिनेशन करेंगे इसको। आप देख सकते हैं मैरिनेशन करके हम फ्रिज में 1 घंटा रखेंगे, फिर 1 घंटे के बाद में बिरयानी का हांडी हम दम मारेंगे। फिर आप देख सकते हैं सारे मटन को, आप देख सकते हैं मटन बहुत ही बेहतरीन मटन है। आप भी जो है सुपर मार्केट या दुकान से अब इस तरीके का ले लें, देख सकते हैं जितना भी इसमें वेस्टेज है नीचे हो गया है। अब जो है बिरयानी बनाने के लिए घर पे आपका जो भी देगचा हो बर्तन हो सही तरीके से मोटा वाला का इस्तेमाल करें, ताकि जो दम देने में उस पर जो है दाग ना लगे। आप देखते हैं सारे मटन को इस तरीके ड्राई करके पानी जो सारे पानी को जो है आप निकाल लें इस तरीके से। अभी जो है हम इस पर ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये देख सकते हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट इसमें ऐड करेंगे, और गरम मसाला जो हम लोग बनाया था वो ऐड करेंगे। गरम मसाला के बाद में ग्रीन चिली पेस्ट है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना स्पाइसी रखना चाहते हैं, उसी हिसाब से जिंजर गार्लिक पेस्ट का। आप ये जो है मोटा नमक है, तो आप जो है इस तरीके का जो मोटा नमक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मोटा नमक ना हो तो बारीक नमक इस्तेमाल करें, मोटा नमक से क्या होता है स्ट्रॉन्ग ज़्यादा रहता है उस पर। अभी जो है स्वास्तिक का चिल्ली पाउडर इस्तेमाल करें आप, मैं तो सजेस्ट करूँगा स्वास्तिक आप लें। स्वास्तिक में क्या होता है ना कलर बेहतरीन होता है, और कश्मीर चिल्ली पाउडर ना लें कलर ज़्यादा हो जाएगा। और हल्दी जो है चुटकी भर हल्दी आप डालें, कोरिएंडर थोड़ा बहुत डाल दें इसको। अभी इस पे जो है हम लोग ब्राउन प्याज ऐड नहीं करेंगे, सबसे पहले इसको अच्छे तरीके से इसको प्रॉपरली मिलाएंगे। लौंग जो है 4 से 5 लौंग डाल सकते हैं, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है बड़े इलायची बाकी गर्म मसाला डालने के लिए। आप इस तरीके का मिला लें आप सही तरीके से। अब जो मिलाने का हमारा टाइम जो है थोड़ा बड़ी होगी, क्योंकि इसको अच्छे तरीके से हम मिलाएंगे इसको। आप ध्यान दें कि अच्छे से इसको मिला लें मसाला, ताकि अंदर जो है मटन के अंदर चला जाए, सॉल्ट हो गया जो भी है। तो आप जितना इसको अच्छे तरीके से प्रॉपरली मिलाएंगे उस तरीके से अंदर जो है मसाला जाएगा।
तो बात करते हैं अभी ब्राउन पेज, हम लोग इसमें ऐड नहीं किए हैं। सबसे पहले उसको अच्छे तरीके से उसको मिलाएंगे, उसके बाद में घी डालेंगे, उसके बाद में फिर जो है ब्राउन प्याज ऐड करेंगे। अब सारे मटन को जो है आप इस तरीके का मिला लें, पूरे मटन को स्लोली स्लोली है, क्योंकि हड्डी भी कभी कभी क्या होता है, मटन का हड्डी आपके हाथ में लग जाए तो थोड़ी ये प्रॉब्लम होता है। तो सारे मटन को जो है आप इस तरीके का जो है मिला लें आप, उसके बाद में आप फिर से स्लोली स्लोली करके पूरे मिला लें। ध्यान देना है पपैया इस पर ऐड नहीं किए हैं, अगर आप जो है ऐड करना चाह रहे हैं तो आप 50 ग्राम से लेके 100 ग्राम के अंदर आप ऐड कर सकते हैं। अभी देख सकते हैं हमारा, अभी इस पर जो है ब्राउन प्याज ऐड करेंगे, आप देखते हैं इस पर ब्राउन प्याज सारे हम लोग इस्तेमाल किए हैं, जो 2 kg जो फ्राई किए थे वो सारे ऑनियन जो है हम लोग इसमें इस्तेमाल करेंगे। आप जो है जितना ऑनियन मिलाने के डाल मिक्स करने के बाद में आप इस ऊपर नीचे इस तरीके कर लें, ताकि जो ऑनियन हमारा है प्रॉपरली सही तरीके से जो है सौगी बन जाएगा। सौगी बनने से जो है हमारा जो मटन के अंदर पे जो है मसाले बनेगा। तो जो बिरयानी में बनाते हैं जब मसाले कभी कभी नहीं आता, तो 2-3 का रीज़न भी उसका भी रहता है कि सही तरीके से अगर प्रॉपरली अगर हम ब्राउन प्याज को अगर भी इसमें नहीं मेल्ड हुआ तो फिर दही ऐड करने के बाद में उसमें बिरयानी बन जाने के बाद में कभी कभी क्या है चावल में ऐसा दिखता ऑनियन। तो हमारा जो है ऑनियन सही तरीके से है, क्रंची है, ऑटोमेटिक जो है इस पर टूट ही जाएगा और सौगी बन जाएगा। आप इस तरीके के सारे मटन को आप इस उस तरीके का जो है ऊपर नीचे पीट लें मटन को, ताकि जो अंदर जो है मोटा नमक है तो वो भी मेल्ट हो जाएगा और हमारा ऑनियन भी जो है वो भी सौगी बन जाएगा और मसाले भी जो है अंदर थोड़ी बहुत गोश्त के अंदर गॉड सब। अभी इस पे जो है हम लोग घी ऐड करेंगे 100 ग्राम से। तो आप जो है इस पे जो है आप क्या कर सकते हैं, ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, घी अगर ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे हैं आप तो ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो फिर अभी जो है बिरयानी हम टॉप में भी इस्तेमाल करेंगे घी। आप घी को जो इस तरीके का डालने के बाद आप सारे मटन को स्लोली स्लोली जो है इस तरीके मिला लें। अब मैं एक बात इसमें बोलना चाह रहा हूँ, हम इस पे जो है मसाले, गरम मसाले जो है इंग्रेडिएंट्स जो हमारा है बहुत ही कम इस्तेमाल हुआ है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही बेहतरीन जो है सॉफ्ट बनेगा और जो खाने में भी जो है ना बहुत ही लाजवाब। अब सारे मटन को जो है इस तरीके से आप ऊपर नीचे कर लें। अभी जो है इस पे हम सैफ्रन ऐड करेंगे, बट आपके पास हम लोग अगर हो सकता है या बाद में भी ऐड करते हैं लोग चावल जब मारने टाइम में सैफ्रन इस्तेमाल करते हैं, बट अभी हम लोग 2 टाइम जो है सैफ्रन इस्तेमाल करेंगे मिलाते वक्त और जो है फाइनल राइस के टाइम पे इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे जो है मैंने 1 डब्बे सैफ्रन लिया है। अब इस पे जो है हम लोग आप इस तरीके का जो है सारे मटन को जो है आप ऊपर नीचे कर लें, ताकि जो है मटन के अंदर जो है मसाले जो है सही तरीके प्रॉपरली जो है उसके अंदर जाए। तो इस पे जो है अभी हम लोग सैफ्रन इस्तेमाल करेंगे 1 डब्बे, आप देख सकते हैं। तो 1 डब्बे इसमें सैफ्रन है, बहुत ही बेहतरीन कलर है। अभी जो है सैफ्रन ऐड करके अब अच्छे तरीके से इसको फिर से जो है मैरिनेशन कर लें। आपको जो है ये मैरिनेशन करने के बाद में आप फ्रिज में 1 आवर रखें, फिर 1 आवर रखने के बाद में फिर इसमें जो है कर्ड और दही जो बोलते हैं कर्ड दही, तो उसको जो है फिर आप ऐड कर लें। और दही इस पे जो हम लोग ऐड करेंगे 2 kg। तो सबसे पहले हम लोग जो है इसको अच्छे तरीके से प्रॉपरली मिला लेंगे, फिर मिलाने के बाद में छोटा एक कंटेनर में हम इसको रिमूव कर देंगे, निकाल लेंगे। फिर इसको जो है 1 आवर के बाद में हम इसको फिर दम में लगाएंगे, चावल स्टार्ट करेंगे। हमारा चावल भी जो है रेडी है, बट आप कभी भी इसको जो है फ्रिज में रख सकते हैं 1 आवर। फ्रिज में अब ना रखें तो आप 1 आवर तक बाहर रखें लीड डाल के, ताकि जो उस पर जो है सही प्रॉपरली जो है कुछ ना गिरे। आप बेसिकली अब जो बिरयानी का जो दम मारने का है, आप कोशिश करें कि मोटा बर्तन हो, कुछ भी बर्तन हो बट मोटा हो। और आप देख सकते हैं आप सही तरीके से जो हमारा भी जो ब्राउन पेज मेल्ट हो चुका है पूरा प्रॉपरली, मसाला बन गया है अभी। नेक्स्ट जो इसका हमारा जो स्टेप रहेगा,
तो इसको हम निकाल के कंटेनर पे रखेंगे। आप देख सकते हैं सारे ब्राउन पेज जो है मेल्ट हो चुका है। आप इस तरीके का जो है आप ऊपर नीचे कर लें, फाइनली जो है आप इस तरीके का कर लें प्रॉपर नीचे। सारे जो हमारा ब्राउन प्याज भी है मेल्ट हो चुका है, देख सकते हैं। अभी जो है इसको कंटेनर पे निकालेंगे। आप इस तरीके कंटेनर ले लें या कुछ बर्तन भी ले लें, प्रॉब्लम नहीं है, बट इसको रिमूव कर दें। फिर 1 घंटे के लिए फ्रिज पे रखें। फ्रिज पे नहीं रखें तो आप बाहर में, अगर वहाँ पे गर्मी ज़्यादा नहीं है तो आप बाहर पे भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3.5 किलो मटन है। अब फिर भी मैं बार बार के बोल रहा हूँ, इसमें मैं पपैया ऐड नहीं क्यों, आप पपैया ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो गोश्त है बहुत सॉफ्ट है तो आप पपैया इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं पपैया इस्तेमाल करेंगे तो फिर जो गोश्त है नरम हो जाए। आप देख सकते हैं हमारा 1 घंटा हो चुका है, तो इस पे जो है हम लोग अभी दम मारेंगे। 2 किलो जो है कर्ड है, आप कर्ड को जो है अच्छे तरीके से जो हुईस होता है उस पे से आप मिला लें, ताकि उसमें जो सही तरीके से मिल जाए, उस पे जो है दही ना फटे। कभी कभी होता है मिलाने के बाद में दही जो वो क्या होता है दाने दाने जैसा रुक जाता है, तो फिर बिरयानी दम होने तक भी वही रुकता है। अब सारे जो है इस तरीके का जो है मटन को आप मिला लें। आप देख सकते हैं सारे मटन को जो है इस तरीके का मिला लें आप स्लोली स्लोली। आप देख सकते हैं जितना इसको सही तरीके से इसको जो मटन को जो है आप ऊपर नीचे करके इस तरीके का मिला लें, ताकि जो है दही ना फटे और सही प्रॉपरली जो है सही दही जो है मिक्स हो जाए इस पर। आप देख सकते हैं सही प्रॉपरली हमारा कलर भी आ चुका है। अब स्वास्तिक का मिर्ची जो है इस्तेमाल करें। अब इस पे देख सकते हैं 1/2 लीटर जो है पानी इस्तेमाल किए हैं हम लोग, वाटर। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जो आप कितना मसाला रखना चाह रहे हैं, तो उसी हिसाब से थोड़ा बहुत ऐड करना पड़ता है पानी जो है। बट आप अगर ज़्यादा मसाला रखना चाह रहे हैं तो थोड़ा हल्का सा पानी ऐड कर दें। बट आपको ध्यान देना होगा कि अब जब चावल जब आप खींचते समय जो चावल जो इस पे आप ऐड करेंगे, जब आपको ध्यान देना है कि पानी के हिसाब से आपको चावल जो है किस तरीके मिलाना है। तो जो चावल जो है आप सही तरीके से जो है आप उसको जो है मेन इम्पोर्टेंट जो बिरयानी का है, आप मसाले आप मिला लिए, मैरिनेशन कर लिए, आप सारे इस तरीके का आप मिला लें और कोरिएंडर ऐड कर लें। कोरिएंडर ऐड करने के बाद में फिर से इसको अच्छे तरीके मैरिनेशन कर लें आप। स्लोली स्लोली जो है इस तरीके का मिला लें, ताकि जो मसाला है सही तरीके से वो मटन को पकड़ ले। और उसके बाद में कंटिन्यू इस तरीके का आप मिला लें थोड़ा देर तक, ताकि जो है हमारा जो दही है सही तरीके से जो है मेल्ट हो जाए। और अब कर्ड डालने के बाद में याद रखें कि ताकि हुई से आप अच्छे तरीके से मिला लें। फिर से हुई से मिलाने के बाद में आप फिर जो है ऐड कर लें। अब जो है इस तरीके का जो है बिरयानी के जो हंडी हुए आप साफ़ कर लें थोड़ा, और इस तरीके के जो है मटन के पीस को सही तरीके से आप जमा लें, ताकि जो राइस आप डालते वक्त जो है आप जब निकालेंगे दम होने के बाद में, तो मसाले के साथ में पीसेस भी सही आ जाए। आप देख सकते हैं हमारा पानी जो है गर्म है भी। अब इस पे जो है ऐड करेंगे थोड़े गर्म मसाले। इस पे सिर्फ जो है 5 से 7 पीस जो है आप लौंग ऐड करें, और जो है दालचीनी जो है आप थोड़ी ऐड करें, और मोटा नमक ऐड करें, ताकि मोटा नमक से क्या होता है जो उसका स्ट्रॉन्ग थोड़ा होता है। आप बारीक नमक भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद में इसमें थोड़ा आपको ध्यान देना है, जब अभी आप नमक डालें पानी से थोड़ा जो है बढ़ के रहना चाहिए। आप टेस्ट कर सकते हैं नमक का जो मात्रा है, आप टेस्ट करेंगे, पानी से थोड़ा बढ़ के रहना चाहिए। अब इस पे जो है थोड़ा कोरिएंडर ऐड करेंगे। आप कभी भी जो है इसको टेस्ट कर लें आप, थोड़ा पानी से जो है बढ़ के नमक रहें। अब देख सकते हैं हमारा पानी जो है गर्म हो गया है। अब इसके बाद में जो है हम राइस ऐड करेंगे। चावल को जो है अच्छे तरीके से जो है स्टेन कर लें, उसका जो चावल का पानी को अच्छे तरीके से इसको स्टेन कर लें, ताकि उसमें पानी ना रहे। उसके बाद में आप देख सकते हैं जब पानी गर्म होने का ना, फिर इसको स्लो कर दें आप, पानी को आप स्लो कर दें थोड़ा। फिर उसके बाद में ताकि क्या होता है ना, स्लो करने के बाद में आप देख सकते हैं आपको ध्यान देना है इस तरीके का आप मिला लें थोड़ा सा, ताकि जो कोरिएंडर गरम मसाले का जो फ्लेवर है सही तरीके से है। आप देख सकते हैं इसमें भी जो है चावल ऐड करेंगे। आप सारे चावल को जो है इस तरीके बासमती चावल को आपको ध्यान देना है, जब आप चावल डालने के बाद में इस तरीके का से कुछ भी स्लाइसर हो या कुछ भी आपके पास जो भी है इस तरीके का मिला लें,
ताकि प्रॉपरली जो है सारे चावल सही से कुक हो जाए, नहीं तो क्या होगा, कच्चा पक्का चावल होगा, तो आपको ध्यान देना है थोड़ा। और उसके बाद में आपको जो है फिर जो फ्लेम इसका है, आप चावल डालने के बाद में फुल रखें, फिर जब चावल कुक हो जाए तो फिर उसको फ्लेम को मीडियम में रखें आप। अब देख सकते हैं हमारा भी जो है फ्लेम भी है, मीडियम फ्लेम पे है, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके का आप जो है फ्लेम को कंटिन्यू रखें। आप देख सकते हैं अभी जो चावल हम फर्स्ट राउंड जो अभी इस पर ऐड करेंगे, मसाला भी बहुत बेहतरीन है, आप देख सकते हैं कलरफुल है हमारा। आप इस तरीके का जो चावल को बासमती चावल है इस तरीके का आप ऐड कर लें लेयर बाय लेयर। इसमें हम लोग जो है इलायची पाउडर ऐड करेंगे, लेयर हर लेयर में जो है हम लोग इलायची ऐड करेंगे पाउडर, जो कि हम लोग निकाल के पहले से ही रखा है। इस पर आप देख सकते हैं फ्लेम पूरा मीडियम है। फिर इसको सेकेंड राउंड जो है आप इस तरीके के चावल को ऊपर नीचे करके देख सकते हैं बार बार। पहला राउंड जो है थोड़ी कड़क रहेगी, फिर दूसरा राउंड थोड़ा और उससे सॉफ्ट रहेगा। आप देख सकते हैं इस तरीके का जो है चावल का लेयर है। अब हो सकता है इस तरीके का जो डालने के बाद अगर एक जगह रुक जाए तो आप कुछ भी स्पून से या कुछ स्लाइसर से या कुछ भी जो आपके पास अवेलेबल है उससे जो है चावल को साइज कर लें, एक लेबल पे कर लें, ताकि जो है चावल एक साथ जो है कुक सही तरीके से हो। इस पे जो है हम लोग जो है इलायची ऐड करेंगे, आप देख सकते हैं। फिर दूसरी इलायची जो है ऐड करें, हर लेयर में इलायची ऐड करेंगे। अब इसके बाद में जब फिर होगा चावल जो है वो थोड़ा नरम होगा थोड़ा, आप देख सकते हैं इस तरह मीडियम फ्लेम पे आप कुक करें। इस पे ज़्यादा भी जो है आपको ऐड नहीं करना है गरम मसाले वगैरह। इस तरीके का जो चावल आपको स्ट्रेन कर लें सही तरीके से, इस तरीके का आप जो है चावल को हंडी हंडी पहली बात तो है मोटा लेना चाहिए ताकि जो है नरम ना हो। आप इस तरीके बार बार जो है चावल को उठा के आप देखें कि प्रॉपरली कुक हुआ नहीं हुआ। ज़्यादा भी नरम हो तो आपको जो है दम देने के बाद में चावल गीला हो जाएगा, तो आपको ध्यान देना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसका चावल। आप चावल प्रॉपरली अगर निकालेंगे तो फिर जो है सही प्रॉपरली जो है हमारा जो बिरयानी दम होने के बाद में खुला हुआ चावल बनेगा। आप देख सकते हैं इस तरीके का आप लेयर बाय लेयर, आप देख सकते हैं बेहतरीन लॉन्ग है पूरा, एक भी चावल जो है टूटा हुआ नहीं है। और बेसिकली अगर चावल को सही प्रॉपरली वॉश कर लिया जाए तो फिर चावल टूटेगा भी नहीं। आप ऐसे मीडियम फ्लेम पे जो है इसको कुक करें चावल को। अभी जो है हमारा फिर दूसरा राउंड जो है आप देख सकते हैं चावल को, अब जितना हो चावल को जो है इस तरीके का देख सकते हैं कि आपको अंदाज़ मिला होगा। देख सकते हैं बहुत ही लॉन्ग राइस है, बिल्कुल खुला हुआ चावल, एक भी इस पर टूटा हुआ भी नहीं है। तो इस तरह के आप चेक कर लें चावल को जो है, फिर लेयर बाय जो है आप चावल को ध्यान देना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो चावल निकालने का होता है, आप देख सकते हैं इस तरीके का लेयर बाय जो है आपको चावल को डाल लेना, सारे चावल को स्ट्रेन करना है। आपको ध्यान देना है कि इस पर ज़्यादा कुछ मसाले डालना नहीं है, ऐड करना नहीं है। आप इस तरीके का चावल को जो है कर सकते हैं, नहीं तो एक एक जगह भी डाल के आप स्पून से सारे जगह से कवर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारा जो फाइनल हो गया है ऑलमोस्ट, और थोड़ा चावल जो है लास्ट का जो है थोड़ा 50% कुक कर लें आप, ताकि जो लास्ट का लेयर होता है थोड़ा नरम करके निकाला जाता है लास्ट लेयर पे जो है। अभी जो है हमारा चावल और एक लास्ट राउंड बाकी है अभी है फाइनल, इसके बाद में हम सैफ्रन ऐड करेंगे। आपको जो है सैफ्रन ऐड करना है, सैफ्रन ऐड करने के बाद में हो सकता है आप 1 kg जो है आपको आटा लेना है। अगर आटा कपड़ा हो तो आपके पास बहुत बेहतरीन रहेगा जो दम देना है। अभी हमारा सैफ्रन जो है 1 डब्बा इस्तेमाल किए हैं, तो आप बेसिकली आटा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो कपड़ा आप इस्तेमाल कर सकते हैं दम देने के लिए। और इसमें हम लोग तवा यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो बर्नर है बहुत हाई बर्नर है और इसका जो फ्लेम होता है बहुत धीमे हाई होता है, बट उसका जो फायर जो होता है बहुत स्लो होता है, टेम्परेचर जो उसका बहुत कम होता है। इस तरह के आप कपड़ा लगा लें, थोड़ा गैप छोड़ें ताकि जो स्टीम जो है सही प्रॉपरली तरीके से जो है स्टीम आपको पता चले। इस तरीके का लिड लगा लेना है, अगर आटे भी लगाते हैं थोड़ा गैप देना है आपको। अभी देख सकते हैं अभी जो फ्लेम अभी स्टार्ट करते हैं, इसको जो दम में लगाएंगे हम जो है फुल फ्लेम में 4 मिनट्स लगाएंगे, 3 to 4 मिनट्स फुल फ्लेम में लगाएंगे। फिर फुल फ्लेम होने के बाद में थोड़ा फिर उसको स्लो करना है, फिर स्लो करके जो है 10 मिनट्स रखना है। 10 मिनट्स होने के बाद में फिर उसको जो है हम सेम ऐसा फुल फ्लेम में रखना है।
फिर उसके बाद में जब स्टीम आ जाए तो इसको स्लो कर देना। आपको ध्यान देना होगा कि हम इस पे तावा नहीं लगाए हैं, क्योंकि हमारा 4 बर्नर का जो है चूल्हा है, तो उस वजह से जो इसका जो फ्लेम है सब तरफ आ रहा है। और इसका जो बर्तन है आप देख सकते हैं बहुत ही जो है मोटा है, और जो है आप इस तरीके का जो पतीला जो है, आप मोटे वाला पतीला लिए तो इसमें जो दाग लगने का जो कम चांसेस रहता है। आप अगर घर पे अगर 1 बर्नर का है तो आप कंपलसरी 100% जो है उस पर जो है तावा रखें। तावा नहीं रखे तो कुछ भी एक मोटे पतीला सा रखें, या स्लो फ्लेम पे आप कर सकते हैं। बट तावा रखने से क्या उसको सपोर्ट मिलता है, टेम्परेचर जो उसका सही से प्रॉपरली जो है दम हो जाएगा हमारा जो मटन बिरयानी है। तो इस तरीके का आप कंटिन्यू करना है। फिर उसके बाद में जो है जब स्टीम आ जाए तो फिर उसको जो है स्लो कर देना है। आप देख सकते हैं हमारा जो बर्नर है हर तरफ जो है फ्लेम सही से जो है आ रहा है। तो आप इस तरह का गैप छोड़ दें, कभी भी जो स्टीम आए आपको पता लगे कि हाँ स्टीम अभी हमारा जो है स्लोली जो है इसको स्लो करना है। थोड़ी देर में भी इसको जो है जब स्टीम थोड़ा हो जाए तो फिर इसको स्लो करना है। आपको ध्यान देना होगा जब भी आप जो है तावे पे रखें तो उसको ध्यान देना है आपको। अभी हमारा जो है 4 मिनट्स हो गया है, इसको स्लो अभी कर दिया है। आप इस तरीके का जो है स्लो कर दें आप देख सकते हैं यहाँ गैप छोड़ा गया है थोड़ा सा। जब भी ये स्टीम हो जाए तो वो ऑटोमेटिकली ये जो बाहर साइड स्टीम आएगा, आप देख सकते हैं ये जो स्टीम आ गया है, तो इसको जो है हम 10 मिनट्स जो है अभी रखेंगे सही प्रॉपरली स्टीम आने तक। जो है आपको ध्यान देना होगा तावा रखेंगे तो बेहतरीन होगा, बट हमारा जो मोटा पतीला है तो इस वजह से जो हम लोग यहाँ डायरेक्ट इसको दम दिया है तो आपको ध्यान थोड़ा देना होगा। अगर आपको भी कुछ भी कमेंट करना है मुझे बता सकते हैं, कुछ भी अगर आपको पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। आप इस तरीके कंटिन्यू रखना है, आप देख सकते हैं बहुत ही स्लो फ्लेम है ताकि जो हमारा स्टीम प्रॉपरली सही तरीके से जो है हमारा बिरयानी दम हो जाएगा। इसके बाद में जैसे ही स्टीम आएगा अब इसको जो है हम लोग जो है पूरा बंद कर देंगे। फिर उसके बाद में आपको जो सही जो है दम जब स्टीम हो जाने के बाद में इसको जो है आप 30 मिनट्स रखना है बंद करने के बाद में। फिर 30 मिनट्स के बाद में इसको जो है आपको लिड ओपन करना है। अभी देख सकते हैं हमारा स्लोली स्लोली जो स्टीम आ चुका है, सही तरीके से जब स्टीम आ जाएगा हम इसको बंद कर देंगे। आप देख सकते हैं ऑलरेडी स्टीम आ चुका है, तो जब ये स्टीम सही तरीके से आ जाएगा इसको जो है हम अभी स्लो कर देंगे। स्लो करने के बाद में फिर इसको रेस्ट देंगे जो है बंद बंद करने के बाद इसको 30 मिनट्स जो है इसको रेस्ट देंगे ताकि जो है प्रॉपरली जो है हमारा जो गोश्त जो है सही तरीके से सॉफ्ट हो जाए। आप देख सकते हैं हमारा फुल स्टीम अभी आ चुका है तो इसको जो है अभी स्लो कर देंगे, बंद कर देना है अभी इसको। देख सकते हैं आप पूरा प्रॉपरली जो है स्टीम आ चुका है। आप भी इस तरीके जब स्टीम आ जाए आप इसको बंद कर दें। फिर लिड जो है ओपन करने का है 30 से 40 मिनट्स के बाद में आप लिड ओपन करें। अगर जल्दी है तो आप कर सकते हैं 25 मिनट में। आप जो घी को जो है इस तरीके का पूरे आप जो है सारे 100 ग्राम घी को जो है सारा इस तरीके से जो आप डाल लें 2 बार 3 बार जो भी हो सकता है, थोड़ा थोड़ा करके डालें ताकि सब तरफ जो है घी आ जाए। इसके बाद मैं आपको जो है इसको बेहतरीन आप देख सकते हैं चावल जो है हमारा सही प्रॉपरली दम हो चुका है। आपको इसमें जो है अभी सही तरीके से इसको ओपन करके दिखाएंगे। हमारा जो गोश्त है पूरा प्रॉपरली कुक हुआ हो चुका है। अभी आपको जो है इस तरीके का जो है हम ओपन करके भी दिखाएंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन जो है चावल पूरा खुला हुआ चावल है। अभी आपको जो है इस तरीके ओपन करके दिखाएंगे जो है राइस को। आप देख सकते हैं बहुत ही जो है बेहतरीन मसाला हमारा जो है, मैं जैसे कि पहले ही बोल चुका हूँ कि आप अच्छा जितना हम इसको मैरिनेशन करेंगे आप सही तरीके से तो सही हमारा मसाला भी बनेगा, चावल खुला रहेगा, गोश्त जो है सॉफ्ट रहेगा। आप देख सकते हैं प्रॉपरली हमारा मसाला बिरयानी जो है मस्त बिरयानी बना, कलर भी आप देख सकते हैं बहुत ही। गोश्त को आप पहली बार देख सकते हैं जो कि नली से निकल चुका है कि बहुत अच्छा बेहतरीन सॉफ्ट है गोश्त आप देख सकते हैं। और चावल भी जो है देखिए आप पूरा बहुत ही खुला खुला चावल है आप देख सकते हैं मसालेदार पूरा जो है। प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आपको जो नेक्स्ट वीडियो है आपके तक पहुंचे। और अगर आपको नेक्स्ट जो होगा हमारा जो है इस पे हम लोग जो है थोड़ा ऐड किए हैं रायता और इसका जो दही चटनी होता है
नेक्स्ट जो है रायता का रेसिपी जो है बनाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। अभी हमारा बिरयानी तो रेसिपी हो चुका है। अभी जो है हम इसमें दही चटनी बनाएंगे। इसको भी जो भी है इसको रायता भी बोल सकते हैं, बट मिक्स रायता डिफरेंट होता है, इसको हम दही चटनी बोलेंगे। तो सबसे पहले दो छोटे छोटे ऑनियन लेना है। उसके बाद में 1/2 करके इस तरीके का आपको फाइनली चॉप कर लेना है। स्लोली स्लोली जो है ध्यान देना है कि हाथ ना कटे, तो आप इस तरीके का जो है स्लोली चॉप कर लें ऑनियन को। आपको कुछ भी अगर पूछना हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हो, तो आपका ज़रूर आपका रिप्लाई दें करेंगे। और आप इस तरीके सारे ऑनियन को कट कर लें, बहुत ही फाइन चॉप कर लेना है। अब स्टेप बाय स्टेप इसको ध्यान देना है। तो फिर दूसरे ऑनियन को जो है आप इस तरीके का चॉप कर लें, पहले स्लाइस करें, इसके बाद में इस तरीके का जो है चॉप कर लें फाइनली। आप देख सकते हैं स्लोली इस तरीके का कट कर लें, बेहतरीन। आपको जो है नेक्स्ट जो है हमारा जो है जो बिरयानी का जो है बड़ा वीडियो बनाने का मतलब ये है कि आपको A to Z जो है समझ में आए। और आपको अगर पसंद हो तो वीडियो आप लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। और आपको इस तरीके का नए नए वीडियो आपको ज़रूर बनाएंगे आपके लिए। और आप जो है सारे ऑनियन को इस तरीके कट कर लें, आप देख सकते हैं। अभी फिर नेक्स्ट जो हमारा कोरिएंडर है, और इस पर सिंपल सा हम लोग इस पर जो दही चटनी बना रहे हैं इस पर ऑनियन ऐड करेंगे, कोरिएंडर ऐड करेंगे, और इस पर जिंजर गार्लिक पेस्ट है। और जिंजर गार्लिक पेस्ट ऑप्शनली आप यूज़ कर सकते हैं, मत यूज़ कर सकते हैं आप, नहीं कर सकते आप कोरिएंडर ग्रीन चिली पेस्ट। तो अभी कोरिएंडर जो फ्रेश कोरिएंडर आप ले लें थोड़ा सा। तो उसके हाथ में इस तरह के 1/2 करके स्लोली स्लोली आप इसको चॉप कर लें, जितना फाइन चॉप कर सकते हैं आप, आपको जैसा सहूलियत हो उस तरीके का आप कर लें। आप देख सकते हैं इस तरीके का सारे कोरिएंडर को जो है चॉप कर लें। इसको छोटा सा बॉल में आप उठा लें, छोटा सा या डीप बॉल पे आप इस तरीके का सारे कोरिएंडर को आप उठा लें। अभी जो है 1 kg हम इस पर जो है कैर ऐड करेंगे। तो इसको 1 kg एक कड़ है, आप प्रॉपरली तरीके से हुइस से पहले मिलाएं आप इसको, फिर से हुइस मिलाने के बाद में थोड़ी देर के बाद में फिर इसमें स्टेप बाई आप ऐड करें। हो सकते हैं थोड़े लोग जो है ऑनियन उसमें खाना कम पसंद करते हैं, तो आप पूरे मत डालिए, थोड़ा सा ऑनियन डालिए 1 पीस जो है छोटे वाला। तो इस तरीके के लिए हुइस मिला लें आप पूरे सारे। उसके बाद में इस तरीके का मिलाने के बाद में आपको जो ध्यान देना है स्टेप बाय स्टेप जो है इस पर हम लोग फिर ऑनियन ऐड करेंगे। इस तरीके का पूरा मिला लें आप हुई से, अब ऑनियन ऐड करें। मैं तो सारा ऑनियन ऐड करूँगा, आपको अगर ऑनियन कम ऐड करना है तो आप एक ही पीस कट करें। आप देख सकते हैं इस तरीके का सारे ऑनियन को ऐड करने के बाद में मिला लें, कोरिएंडर को ऐड कर लें। आप देख सकते हैं कोरिएंडर भी बहुत बेहतरीन फ्लेवर आएगा कोरिएंडर से। अब इस पे जो है मसाले ऐड करेंगे। मसाले में सबसे पहले जिंजर गार्लिक पेस्ट इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शनली है, आप यूज़ करें मत यूज़ कर सकते हैं आप, ऑप्शनली है। तो इसके अंदर हम लोग ग्रीन चिली पेस्ट ऑप्शनली है। ग्रीन चिली पेस्ट आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना डालना है नहीं डालना है। यहाँ पर हमने 2 टेबल स्पून लिया है, सॉल्ट है 2 टेबल स्पून। इसको जो है अच्छे तरीके से हम मिला लेंगे। तो आपके हिसाब से डिपेंड करता है, आप ग्रीन चिली हो गया आप कम इस डाल सकते हैं, जिंजर गार्लिक पेस्ट ऑप्शनली आप डाल सकते नहीं डाल सकते। तो ये जो है दही चटनी इसको बोल सकते, और रायता बट मिक्स रायता थोड़ा डिफरेंट होता है। मिक्स रायता ज़्यादा घट होता है और उस पर कुछ ऐड भी होता है, तो इसको हम दही चटनी ही बोलेंगे इसको। तो इस तरीके का आप मिला लें, इस तरीके का सही तरीके से प्रॉपरली जो है आप मिला लें इसको। आप देख सकते हैं इस तरीके मिला लें कि छोटा बॉल पे आप जो है इस तरीके का जो है काली रिमूव कर लें प्लीज़। आपको अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, और जो लाल सब्सक्राइब करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो आपको ज़रूर जो आपको
आएगा आपके पास नोटिफिकेशन में नेक्स्ट वीडियो, तो आप इसमें कोरिएंडर इस तरीके का ऐड कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो।